हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी इस वीडियो में लेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम्स हो, क्योंकि आपके जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी के आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें तो 100% के क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी में, सोशल स्टडी में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कर्क रेखा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए फिर देख लेते हैं कौन कौन से हैं क्वेश्चन कर्क रेखा से संबंधित। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है? ओडिशा से बिहार यानी झारखंड, क्योंकि अब बिहार से अलग हो गया है झारखंड, ठीक है ना, पहले तो बिहार में ही था। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यदि आपको आंसर पता है तो आपने गेस ही कर लिया होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी बिहार यानी झारखंड। आप इसको कहिए बिहार नहीं, झारखंड आप कह लीजिए, क्योंकि अब झारखंड बना है, पहले जो था बिहार था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ओके, क्योंकि बिहार से जो है ये आप कर्क रेखा नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। तो झारखंड आपका राइट आंसर होगा, बिहार को आप कट कर दीजिए, ओके। एक्चुअली जो ये आपकी कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन भी एक आगे है कि बिहार जो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं हम आपको बता देते हैं। वो 8 राज्य जो है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इतने राज्य हैं जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। गुजरात, राजस्थान जो कि आर से हैं, फिर मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर इसका हो जाएगा झारखंड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्योंकि हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं कर्क रेखा, तो कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 8, 7, 9। जस्ट अभी हमने बताया था, आपने गेस कर ही लिया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8 प्रदेशों से भारतीय, यानी 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, या इन सभी से? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, बहुत ही आसान इसका जो है आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, राइट आंसर होगा इन सभी से, मध्य प्रदेश से भी, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और क्या है, सॉरी, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मिजोरम है ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला है कि निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कौन सा ऐसा नगर है जो नीचे दिए हुए हैं जो कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली है, कोलकाता है, जोधपुर और नागपुर, इनमें से कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के निकट है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कोलकाता। जो कोलकाता है वो ये नगर कर्क रेखा के निकट है। अब यहाँ पे निकटतम कैसे देखा जाता है कर्क रेखा में? तो देखिए, कर्क रेखा में निकटतम देखने के लिए अक्षांशीय स्थितियाँ देखी जाती है। जो अक्षांश की स्थितियाँ होती हैं वो देखी जाती हैं, और उसके अनुसार जो कोलकाता नगर है वो इन सभी में सबसे ज़्यादा निकट है कर्क रेखा के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं आपका कि जो कोलकाता है, और उसके बाद अगर यहाँ की बात करें कोलकाता के बाद, तो कोलकाता के बाद आपका नागपुर जो है वो दूसरे नंबर पे है, जोधपुर जो है वो तीसरे नंबर पे है, दिल्ली जो है वो चौथे नंबर पे है, ठीक है ना। पहले नंबर पे क्या है? कोलकाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? यानी जो नगर नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। तो अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गांधीनगर। जो गांधीनगर है वो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का एक राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है,
अब ये जो ऑप्शन दिए इसमें वो राज्य बताना है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू एवं कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है और झारखंड है। देखिए अभी जस्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है देख के आए हैं और हमने आपको उसमें बताया भी था। पहले तो ये देख लीजिए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उन 8 राज्यों में से क्या एक कोई राज्य है। जी हाँ, एक राज्य इसमें है उन 8 राज्यों में से। कौन है, आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, तो वो राज्य आपका है झारखंड। मैंने कहा था ना कि बिहार नहीं है, जो ऑप्शन था उसमें बिहार और झारखंड था, तो बिहार में पहले झारखंड था जो अब अलग कर दिया गया है, तो इसलिए बिहार से नहीं झारखंड से गुजरती है कर्क रेखा। तो झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। 23 अंश 30 मिनट का दक्षिण है, या 33 अंश 30 मिनट का उत्तर है, या फिर 0 डिग्री जो आपका है, या फिर 23 अंश 30 मिनट जो उत्तर का है। इसमें आपको बताना है कौन सा अक्षांश जो है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। डी जो आंसर है ये राइट हो जाएगा, जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये ऑप्शन आपके सभी दे दिए जाएंगे और इन जो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि इनमें से कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा की स्थिति बताना है, तो फिर इसे कर्क रेखा कहते हैं, तो ये कर्क रेखा का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है आपको बताना है। ठीक है, तो झारखंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, यहाँ पे ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। जो मणिपुर है ये आपके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। जून माह में, क्वेश्चन को समझिएगा, जून माह में जो ये स्थान दिए हुए हैं इनमें से कहाँ पर दिन की अधिकतम अवधि होगी। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या फिर दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा दिल्ली में जून माह में सबसे दिन के बाद जो होती है सबसे अधिकतम होती है। ठीक है ना, इसका जो लॉजिक है वो ये है कि जो 21 जून के बाद जो सूर्य होता है वो उत्तरायण में होने लगता है। ठीक है ना, उत्तर की ओर चला जाता है, उत्तर में सबसे ऊपर होता है, और कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिन की जो अवधि होती है वो बढ़ने लगती है, और दिल्ली जो है वो किधर है, उत्तर में है, इसलिए यहाँ दिन की, यहाँ सबसे अधिक दिन की अधिकतम अवधि होती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका कर्क रेखा से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये जो है आपके जीके में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट के साथ में जो आपका ज्योग्राफी या फिर SST के जो पेपर्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।